गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज उपस्थित हमारे सभी वर्चुअल व्यूअर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन एक बड़ा ही खास दिन है, खास इसलिए कि आज जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम आपके सामने इस फेसबुक लाइव प्लेटफॉर्म के जरिए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए पेश कर रहे हैं, आज उनके लिए और हम सभी कलाकारों के लिए एक स्पेशल डे है। स्पेशल डे जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपका स्वागत करना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम में। दिस इज आर्क इवेंट प्रेजेंट, सुरीली यादें पार्ट 3, तराने नए पुराने बाय डॉक्टर मिताली नाग। जी हाँ दोस्तों, मिताली नाग हमारी संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है, एक ऐसी वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट के नगमे हो, उनकी आवाज़ में, उनके अंदाज में हमेशा से वो दिल छू लेने वाले बने रहते हैं। और आज के प्रोग्राम की एक खास वजह ये भी है कि आज उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं संगीत के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम सभी की ओर से मिताली जी को उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी जो दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दें, ब्लेसिंग्स दें कि वो इसी तरह हमेशा आपका और हमारा दिल लुभाती रहें, दिल जीतती रहें अपने बेहतरीन अंदाज, अपनी आवाज़ से और अपने गीतों से। आज के इस प्रोग्राम को आपके सामने फिर एक बार लेकर आए हैं आर्क इवेंट्स, और जिनका सबसे बड़ा सहयोग, सपोर्ट आज के इस प्रोग्राम में हमें मिला है, उनको हम भला कैसे भूल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम करेज क्लब, इनहेल करेज एक्सहेल फियर, उनकी ओर से, जिनका नाम है इस प्रोग्राम के हमारे सबसे बड़े सपोर्टर जो हैं, रिस्पेक्टेड श्री पीयूष भाई देसाई साहब, जो कि चेयरमैन है वाघ बकरी चाय ग्रुप के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। फिर एक बार मिताली जी के साथ आपके ब्लेसिंग्स हैं, आप हमेशा उनके लिए एक पिता समान रहे, और आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही हैं संगीत के क्षेत्र में। ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी तरफ से, हमारी तरफ से मिताली जी के लिए। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को, कि जिसका टाइटल है सुरीली यादें पार्ट 3, तराने नए पुराने बाय आर्क इवेंट। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम अनिता कपूर जी का और नवनीत जी का कि उनका भी सहयोग और सपोर्ट हमेशा से मिताली जी के साथ रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बढ़ते हैं हमारे एक ऐसे बेहतरीन गीत की ओर जिसे हम 90s के एरा का सॉन्ग कहते हैं। 90s का एरा हमारी म्यूजिकल इंडस्ट्री का एक ऐसा मेलोडियस एरा था जिसे हम लास्ट मेलोडियस एरा कह सकते हैं, क्योंकि 90s के बाद गाने तो बेहतरीन बने लेकिन उस तरह के नहीं बने जो 90s या उससे पहले के दशक में बना करते थे। वो गाने कुछ इस तरह से थे कि आज भी वो गाने हम सुनते हैं तो बिल्कुल हमारे दिलो दिमाग में वो नगमे छपे हुए हैं। कहीं कोई म्यूज़िक का पार्ट हो या कोई लिरिक्स का पार्ट हो तो ज़बानी हमें वो सारे गाने याद रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस गीत के साथ 90s के दौर में, जिसमें ओरिजिनल प्लेबैक है अलका याग्निक जी का, और संगीत जो है वो एक ऐसे बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर का है जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से म्यूज़िकल इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में एक धमाल मचा दी थी, वो है नदीम श्रवण साहब। समीर साहब के लिखे इस गीत के साथ लिए चलते हैं हम आपको फिल्म साजन के इस गीत के साथ, तू शायर है मैं तेरी शायरी।
बेटा भीगा मैं कैसे तुझसे इजहार करूं, अपनी बेटा भीगा मैं कैसे तुझसे इजहार करूं, कैसे बदलाऊं तुझे जाने जाना कितना ऑडियंस, थैंक यू एवरीवन दोज हु आर हियर। एंड सबसे पहले तो मैं भूमि जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू ऑल माई व्यूअर्स, ऑल म्यूजिक लवर्स जिन्होंने आज मुझे मेरे बर्थडे पे यहाँ पे विश किया है कमेंट्स के थ्रू, थैंक यू सो मच एवरीवन। और फिर से भूमि जी ने कह दिया है कि आज का ये जो कार्यक्रम है आर्क इवेंट, और हम मेरे बहुत ही प्यारे सर पीयूष सर, पीयूष देसाई जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, फॉर लाइकिंग अस। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दोज हु आर वॉचिंग ऑन फेसबुक लाइव प्लेटफॉर्म, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं डॉक्टर मितारी नाग के फेसबुक पेज के जरिए, उनके फेसबुक आईडी के जरिए। अब एक ऐसी आवाज़, एक ऐसे अंदाज की ओर हम आगे बढ़ना चाहेंगे जो कि आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल है, जिन्हें हम अ सुपर नेचुरल वर्सेटाइल वॉइस कहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में उनकी वर्सिटैलिटी वैसे तो आप सालों से जानते ही, लेकिन फिर भी किसी एक प्रोग्राम में एक ही फनकार के थ्रू अलग अलग आवाज़ों को जब सुना जाता है तो वो वर्सिटैलिटी की पहचान होती है। ये हमारी म्यूजिकल इंडस्ट्री के एक बड़े ही जाने माने फनकार हैं और कई सालों से संगीत के क्षेत्र में अपना नाम चमकाए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले गीत के लिए हम उनका स्वागत करें, आप सभी लोग उनका स्वागत करें तालियों से, अपने प्यार से। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विथ अस नन अदर देन मिस्टर नीरज पाठक। जोरदार तालियां एक बार नीरज जी के लिए हो जाएं। जैसा मैंने कहा कि आज के प्रोग्राम में अलग अलग आवाज़ के नगमे वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वैसे उनकी जो मास्टरी है वो तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो हेमंता का गाना हो, किशोरदा का गाना हो, या फिर हो मन्नादा का गाना। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी आवाज़ के साथ वो अपनी कला, अपनी आवाज़, अपना गीत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो आवाज़ बेसिकली शुरू हुई दक्षिण भारत से और देखते ही देखते 70 और 80 के दशक में उसने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों पर अपनी आवाज़ और अपने गीतों के ज़रिए एक सिक्का जमा दिया। वो आवाज़ कोई और नहीं लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्टेड, कई सारे अवार्ड के विजेता के जे यशुदास साहब, डॉक्टर के जे यशुदास जी की आवाज़ के ये नगमे आज आपके सामने पेश करने वाले हैं, जिसमें से पहला नगमा एक ऐसी फिल्म से है जिसका लाजवाब संगीत और गीत दोनों रविंद्र जैन साहब ने तैयार किया है। आइए सुनते हैं वही आपका प्यारा नगमा नीरज जी के साथ, आज से पहले आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, और आज दुगनी खुशी का मौका है नीरज जी क्योंकि मिताली जी का बर्थडे है। हाँ, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और ट्रूली भूमि जी आज दुगना खुशी हो जाता है इस गाने के ज़रिए मैं वो खुशी जाहिर करने जा रहा हूँ, और इस कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति आपके लिए यहाँ से पेश करने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। तो
तो लीजिए ये 1976 की सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म चिचोर से ये गाना। आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी मीठी इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं ओ तकदीरों को जोड़ते ऐसी इन तकदीरों को जोड़ते ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले खुशी को ढूंढ रहे थे हम किसी खुशी को ढूंढ रहे थे यही आज तक नहीं मिली आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी भी थी इतनी सुहानी ऐसी भी थी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नीरज भाई वाकई में बहुत मजा आ गया। थैंक यू। बिल्कुल आज के इस माहौल और जो आज का ओकेशन है उसके बिल्कुल मद्देनजर था। आइए दोस्तों अब इसी फिल्म से एक और नगमा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वो इसलिए कि आज हमारे साथ जो हमारे दो फनकार हैं जो आपको एक के बाद एक बेहतरीन नगमे सुना रहे हैं वो उस कला में माहिर है जिससे जुड़ा हमारा अगला गीत है। वो एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है जिसमें ये दोनों की महारत है, हमारे नीरज जी और मिताली जी। तो आइए सुनते हैं फिल्म चित्तौर से यही नगमा, इसी फिल्म से एक और नगमा, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। रविंद्र जैन साहब का संगीत और उन्हीं के लिखे बोल से ये नगमा। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर मिला ले संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में, तू जो
सुर में मदनी सा मगरे सा सारे रे निसा सारे सा निदा मगर सा का मदनी सा तू जो मेरे सुर मिला ले संग लाले तो जिंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे सुर बहुत खूबसूरत आप दोनों के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत सारी तालियां हो जाए मिताली जी और नीरज जी के लिए, साथ ही उतनी तालियां चाहूँगा हमारी पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम के लिए जिसे आज मितेश देसाई फिर एक बार आपके सामने कंडक्ट कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियां हमारे सभी म्यूजिशियंस के लिए, तालियां चाहूँगा और दाद चाहूँगा आप सबकी उस शख्सियत के लिए जो हमेशा से मिताली जी के साथ उनके हर प्रोग्राम में एक परिवार के सदस्य की तरह शामिल रहते हैं, उनके सपोर्ट के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए श्री अजय भिमानी जी साहब का भी मैं यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल दोस्तों अब बढ़ना चाहेंगे हमारे अगले ड्यूएट नगमे की ओर। जब नीरज जी और मिताली जी हमारे साथ हैं तो आज बहुत डिफरेंट और कुछ रेयर नगमे भी आपके सामने पेश होंगे जो आप सबको पसंद तो है लेकिन शायद आप तक पहुँचे नहीं हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मिताली जी जब जब प्रोग्राम करती हैं तो कुछ ऐसे नगमे वो आपके लिए लेकर आती हैं जो उनकी ऑडियंस और हर संगीत प्रेमी सुनना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं वो नगमे ऑडियंस तक पहुंचते नहीं हैं। तो आज फिर एक वो ऐसी कोशिश में कामयाब हो रही हैं और अगला नगमा जो है वो फिल्म सती सावित्री से आपके सामने पेश होने जा रहा है। इस बार नीरज जी का जो अंदाज़ होगा वो मन्ना डे साहब का होगा, हिंदी और बंगाली फिल्मों के एक ऐसे प्लेबैक सिंगर, ऐसे फनकार जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के और कई सारे अवार्ड से सम्मानित हैं और साथ में आवाज़ है स्वर किन्नरी, लिविंग लेजेंड, वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत है और भरत व्यास जी के बोल जी। भूमि जी, आपने जैसा कि कहा कि आज का कार्यक्रम खास तो है ही और ऐसे नगमे जो कि राग बेस्ड गाने हैं, ये भी एक राग बेस्ड है, राग यमन, जो कि बहुत ही चहिता राग है। बॉलीवुड में काफ़ी इस राग को प्रयोग किया गया अलग अलग कंपोजिशंस में, सो दिस इज़ ऑल्सो वंडरफुल कंपोजिशंस। सो शैल वी स्टार्ट नीरज जी? और इसकी एक ख़ास बात और है कि बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखी गई कोई कविता हो, बहुत ही कम पोएट्रीज लिखी गई हैं, इसमें हर एक शब्द शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। भरत व्यास जी की ये बहुत ही बेहतरीन रचना है। आजकल के ज़माने में इस तरह के गाने बहुत ही रेयर सुनने को मिलते हैं, तो ये हमारी कोशिश है। दिस इज़ रिटन फॉर दी एनी कपल ऑफ द वर्ल्ड, एक दूसरे की बहुत ही खूबसूरत अपनी इमोशंस इसके ज़रिए प्रदर्शित होते हैं। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना फिल्म सती सावित्री से। Yeah.
मोर का सिंदूर हो मेरे प्राणों की हो गुंजन मेरे मन की मयूर हो तुम हो पूजा मैं पुजारी तुम सुधा मैं प्यास जेंटलमैन जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था जो आज के हमारे अतिथि विशेष हैं हमारे खास हमारे अजीज कि जिनका बहुत सारा सपोर्ट हमेशा से डॉक्टर मिताली नाग के साथ रहा है ऐसे माननीय श्री पीयूष भाई देसाई चेयरमैन ऑफ फाग बकरी ग्रुप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहे दिल से पीयूष जी आपका स्वागत करता हूँ मैं भूमिज त्रिवेदी हमारी पूरी टीम की ओर से और मिताली जी की ओर से। जी भूमिज जी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी पीयूष सर के बारे में सर का आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा है मेरे हर सोलो शो में सर हमेशा अपनी प्रेजेंस देकर अपना आशीर्वाद देते हैं मुझे और आज भी यहाँ पे मेरे बीच हैं। सो थैंक यू पीयूष सर थैंक यू सो मच आप यहाँ आज हमारे बीच में आए हैं और मुझे आशीर्वाद देने के लिए मैं आपको यहाँ पे प्लीज़ बुलाना चाहूँगी आप प्लीज़ यहाँ पे आए हमारे बीच। और जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि आज मिताली जी का जन्मदिन है और उनके पिता समान श्री पीयूष भाई और मैं सर चाहूंगी कि सर के हाथ से आज उपस्थित है तो अब वक्त हो चला है सर का स्वागत करने का। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे यही दुआएं हैं सर की तरफ से। थैंक यू सर। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Mitali ji, happy birthday to you, may the good God bless you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you.
बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक लाइन आप भी हमारे साथ गाइए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल थैंक यू सो मच मिताली जी। हेलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से, मेरे लिए एक छोटा सा दो लाइन जरूर गाएंगे, यही गाना। यही गाना और हम उसका थोड़ा अलग कहेंगे कि लिरिक्स ऐसा है नहीं, एक ही लाइन दो लाइन के बोले का है। तो हम आपको किस तरह से, यानी कि ये ऐसा चाहते हैं कि आप मुझे सर मत कीजिए, बड़ा भाई कीजिए, मोटा भाई जो बागबान में आता है ना, मोटा भाई। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, इतने प्यारे ऐसे लफ्जों में मुझे आपने विश किया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लविंग। सो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि ही इज अ ट्रू म्यूजिक लवर, और इसी वजह से आज वो अपना आशीर्वाद देने यहाँ तक आए हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन पीयूष सर। जी हाँ, मेरी दोस्त अनीता, जिसने ये पूरा पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी वजह से आज हम सब हैं। तो अनीता को आई एम ऑल्सो मिसिंग, बट येस शी इज़ देयर, शी इज़ वॉचिंग मी, सो एंड आई एम गेटिंग हर विशेज कंटिन्यूसली। थैंक यू सो मच अनीता, लव यू। पीयूष जी, जब आज आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, तो मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप बंगाल से और बंगाल के आसपास के इलाकों से बहुत प्यार करते हैं। आपका एक बहुत नज़दीकी रिश्ता वहाँ से रहा है, और उस रिश्ते की वजह से आज पूरे देश में उसकी खुशबू भी है, और वो है वाघ बकरी चाय की खुशबू। और उसके ज़रिए आप हमेशा लोगों से जुड़े रहे, और लोगों का प्यार आपको हमेशा मिला है। तो आज ख़ास आपके लिए मिताली जी एक बंगाली नगमा पेश करने जा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये नगमा है, और स्पेशली आपको याद करके आपके लिए ही ये नगमा उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो आइए अब मैं मिताली जी से गुजारिश करूंगा कि वो नगमा जो ख़ास आपने पीयूष जी के लिए चुना है, सिलेक्ट किया है, वो आज आप यहाँ पर पेश करें, जिसका ओरिजिनल म्यूज़िक बप्पीदा का है। बंगाली वर्जन जो उसका है वो किशोरदा ने गाया हुआ है, लेकिन उसके बाद उसका हिंदी में भी वर्जन बना, जिसे एस जानकी जी और बप्पीदा ने खुद ने गाया है। तो आइए सुनते हैं बंगाली फिल्म अमर शांगी से ये नगमा चिरोदिनी।
वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. अब मिताली जी हमारे साथ जुड़ी रही हैं और अगला जो गीत है वो पुरानी गोल्डन एरा की फिल्में जो लोग खास पसंद करते हैं उनको बहुत पसंद आएगा. यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा फिल्म पाकीज़ा की, जिस फिल्म का हर एक नगमा अपने आप में एक कमाल का नगमा है. गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोलों से सजा लता जी का गाया हुआ अगला गीत मिताली जी आपके सामने पेश करने जा रही हैं. नगमा कौन सा है, क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पाकीज़ा फिल्म के सारे नगमे लाजवाब हैं. अब आप सोचिए कि इनमें से कौन सा वो गीत है, कौन सा वो नगमा है जो मिताली जी आज के ख़ास दिन आपके सामने पेश करने जा रही हैं. पाकीज़ा मूवी पीयूष सर की भी खास पसंदीदा मूवी है और जब भी मैं उनसे मिलती हूँ वो मुझे ज़रूर फरमाइश करते हैं कि एक पाकीज़ा का गाना मुझे सुनाए, तो इसीलिए ये पाकीज़ा का गाना मैंने लिया है. थैंक यू सर. अच्छा सॉरी भैया. चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है ये मुलाकात बड़ी देर के
बहुत 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 शुक्रिया और कमाल निभाया है आपने मिताली जी. वैसे इस तरह के नगमे बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बीट टू बीट और आलाप टू आलाप, और जो छोटी छोटी हरकतें मुर्कियाँ अलग अलग जगहों पर, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन फिर भी आप संगीत के क्षेत्र में इतने सालों से जुड़ी है, बाकवाल क्या बात है. थैंक यू भूपेश भाई. थैंक यू. अब फिर एक बार बढ़ते हैं एक ड्यूएट दो गाने की तरफ. इस बार नीरज जी का अंदाज जो है वो किशोरदा वाला रहेगा. क्या कहें नीरज जी. ये जो नगमा है दोस्तों वो आप सबका पसंदीदा है, और 70s और 80s के दौर में किशोरदा के कुछ ऐसे बेहतरीन सोलो और ड्यूएट नगमे हैं जिनमें से किसी भी लाइव शो में अगर कोई नगमा आपको सिलेक्ट करना है तो बहुत डिफिकल्ट रहता है सिलेक्शन. लेकिन फिर भी आज ये नगमा आपके सामने नीरज जी और मिताली जी पेश करने जा रहे हैं. फिल्म दिले नादान से है और हयाम साहब का लाजवाब संगीत है, और नक्श लालपुरी साहब के लिखे बोल. चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन.
किशोरदा और लता जी के इस गीत के बाद अब एक ऐसे रोमांटिक गीत की ओर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। वैसे लाइव शोज में या स्टेज शोज में ये बहुत कम या ना के बराबर ये गाना लिया जाता है, लेकिन आज फिर हम आपके सामने इस गीत को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये गाना 70s के दौर में अपनी पहली फिल्म से लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाने वाले ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की कमबैक फिल्म कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, ये नगमा जो है वो सागर फिल्म से हम आपके लिए लेकर आए हैं। पंचमदा का बड़ा ही लाजवाब संगीत और शैलेंद्र सिंह साहब और आशा जी की आवाज़। शैलेंद्र सिंह साहब जिन्होंने ऋषि कपूर जी के लिए बहुत सारे नगमे गाए, उन्हीं में से ये एक खास और रेयर डिफरेंट नगमा आप सबके लिए। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं भूमि जी के विषय में कुछ कहना चाहूँगी। इस गाने में मुझे साथ देने के लिए खास तौर पे भूमि जी को मैंने रिक्वेस्ट किया है। बीइंग अ वंडरफुल एंकर, ही इज अ वंडरफुल सिंगर आल्सो, सो आई रियली वांटेड टू सिंग दिस सॉन्ग विथ यू, सो वी आर गोइंग टू टेक दिस सॉन्ग। थैंक यू मिताली जी फॉर योर अप्रिसिएशन ऑलवेज, थैंक यू सो मच। प्यासे होंठों की जो कहानी है, प्यासे होंठों की जो कहानी है, पास आके तुम्हें सुनानी है। जाने
अगला गीत जो है वो खास हमने आप सभी सुनने वालों के लिए जो रेयर और डिफरेंट नगमों के कदरदान हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किया है। फिल्म लेकिन से ये नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात जब निकले फिल्म लेकिन की तो ये कहना भी बिल्कुल ज़रूरी है कि इतना खूबसूरत लाजवाब और बहुत डिफरेंट म्यूज़िक इसमें हृदयनाथ मंगेशकर जी का था, गुलजार साहब के लिखे इस गीत के बोल हैं और लता जी की आवाज़ है। इससे पहले कि गाना हम पेश करें, मिताली जी इस गीत के बारे में ज़रूर कुछ कहेंगे आपसे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं यही कहूँगी कि ये राग विभांगिनी राग पर आधारित है जिसमें राग देशकर और भोपाली राग का मिश्रण है। तो बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा सा राग है ये। शुरुआत करते हैं। Baby
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आइए अब एक और बड़े ही धमाल और कमाल के गीत की ओर आगे हम आपको ले जाना चाहेंगे। टेकिंग बैक टू द लेटर 60s के दौर की एक ऐसी फिल्म, राजेश खन्ना और आशा पारेख जी की बेहतरीन फिल्मों में इसे जाना जाता है। आर डी बर्मन साहब के संगीत से सजे इस गीत का एक अपना ही अलग मिजाज है, बहारों के सपने। इस फिल्म से अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। खास वैसे मैं कहना चाहूँगा कि भले ही स्क्रीन पर लोग ये समझते हैं कि राजेश खन्ना साहब इस गीत में, लेकिन गाना ओरिजिनल पिक्चराइज अनवर हुसैन साहब पर है। मन्नादा और लता जी का एक बड़ा ही प्यारा सा बहुत ही रिदमेटिक सॉन्ग है और ये यस चल संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे है चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मार ना दे तंज कहीं नजर कोई हाय चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मार ना दे तंज कहीं नजर कोई हाय अरे देख देख पग न फिसल जाए रे चुनरी संभाल उड़ी चली जाए मार न दे दन नजर कोई हाँ चली जाए मार न दे दन नजर कोई हाँ
चली जाए मार न दे दन नजर कोई हार भाई कमाल और धमाल यहाँ पर हुआ है। जोरदार तालियां हमारे सभी म्यूजिशियंस के लिए, सभी म्यूजिशियंस के लिए। मिताली जी, मैं समझता हूँ कि हमारे म्यूजिशियंस का इंट्रोडक्शन यहाँ पर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कीबोर्ड पर हमारे साथ है हमारे ग्रुप के सबसे यंगेस्ट प्लेयर रौनक परमार के लिए एक बार जोरदार तालियां हूँ। पीछे हमारे बड़े हैंडसम यंग डायनामिक पर्सनालिटी वाले हमारे कीबोर्ड प्लेयर अमित चुनारा के लिए जोरदार तालियां। तबला नवाज, हमारे आज के प्रोग्राम में आपका बहुत कमाल और धमाल हमने देखा और आगे भी देखेंगे। बल्लू भाई के लिए जोरदार ताले। बलवंत सिंधा हमारे बड़े ही प्यारे से तबला प्लेयर हैं, पूरी टीम को बहुत खूबसूरती से हमेशा से लीड करते हैं, ऐसे हमारे बड़े जाने माने और बड़े ही उम्दा इंसान मितेश देसाई के लिए जोरदार तालियां। जितने प्यारे वो आर्टिस्ट है उतने प्यारे इंसान है। और पिछले गीत में आपने जिनका कमाल और धमाल देखा सभी इंस्ट्रूमेंट्स पर, सभी रिदम इंस्ट्रूमेंट पर, ऐसे हमारे राकेश जानी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये देखिए कमाल और भीतर विसल, मैंने बोलना मुझे रह गया है, लेकिन ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं उसका असली मज़ा जब साउंड क्रिस्टल क्लियर होता है तब आता है। सिंगर कितना भी अच्छा गाए, म्यूजिशियन कितना भी खूबसूरत से अपना म्यूजिक दे, लेकिन जब तक साउंड क्रिस्टल क्लियर ना हो कहीं ना कहीं कुछ कमी सी जरूर रहती है। इसका श्रेय, इस क्रिस्टल क्लियर साउंड का बैलेंस करने का श्रेय हम देते हैं हमारे कादर भाई को। जोरदार तालियां इनके लिए। रिदम द मिनीटोरियम से आज ये प्रोग्राम हम आपके लिए लाइव करें। मुख्तार शेख साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करने के लिए। मिताली जी, बढ़ते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये बहुत प्यारे से कम्प्लीमेंट। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अभी बहुत सारे नगमे सर ऐसे हैं कि इनका कमाल है। तो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म ममता से ये नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, रोशन लाल साहब का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौदी की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौदी की, तुम अपने चरणों में रख लो मुझे को, जैसे मंदिर मेरो देखी, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर मेरो देखी। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी के जैसे मंदिर में लौदी की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लौदी की।
ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लौदी की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौदी की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। अब एक ऐसे गीत की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे जिसमें एक और लिविंग लेजेंड आशा भोसले जी, उनका हमेशा से अलग अलग गीतों में एक अलग अलग अंदाज रहा है, और जब जब आर डी बर्मन साहब के कंपोजिशन में उनकी आवाज़ जुड़ी है तो वो नगमा कहीं और किस्म का खेल कर बाहर आया है। यहाँ पर हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं फिल्म खेल खेल में से ये नगमा, आर डी बर्मन साहब का संगीत और गुलशन बावरा जी के लिखे बोल, और बहुत ही टफ रेयर और No!
बार बार हम मिलते थे, पर हाँ एक दिन मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचता हुआ वो ले गया और एक सुंदर गाड़ी में बिठा के बोला, ये तेरे लिए है रानी। राजा, गाड़ी तो हवा में से बातें कर रही है, देखो देखो, हाय मुझे डर लग रहा है। सुनो ना राजा, आहिस्ता प्लीज आहिस्ता। गाड़ी रुकी, अरे मैं तो उसकी बाहों में हूँ। सच होते हैं, सपना ही था, टूट गया सपना मेरा, टूट गया, तू ना रहा, कुछ ना रहा सपना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये बहुत रेयर नगमा तो है, लेकिन इसे डायलॉग डिलीवरी के साथ उसी फ्लो में जिस तरह से पिक्चराइजेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ आशा जी करते हैं, और आपने बहुत कमाल निभाया है आज। थैंक यू सो मच, मैं खुद आशा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ और कोशिश करती हूँ उनको निभाने की। अब बढ़ते हैं नीरज जी के साथ किशोरदा वाले अंदाज में। ये नगमा जो है वो फिल्म मेरे अपने से हम आपके लिए लेकर आए हैं, सलील चौधरी साहब का संगीत और गुलजार साहब के लिखे बोल, और किशोरदा का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा, सोलफुल, जिंदगी को और अपने अपने लोगों को अपने आप से नज़दीक रखने वाली बात को बयां करना हुआ ये गीत आप सबके लिए नीरज जी के साथ। यस दोस्तों, ये गाना बहुत ही करीब है मेरे दिल के और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ सलील दा। जो सुनते हैं फिल्म मेरे अपने से ये गाना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आंसू
ख्वाबों में जाते हम रात भर, कोई तो गम अपनाता, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, यार पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कुछ यादें तन्हाई दोहराती है रात भर, भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें तन्हाई दोहराती है रात भर, कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, यार पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। ये था किशोरदा का गाया हुआ फिल्म मेरे अपने से नगमा। अगला जो गीत है उसके लिए अक्सर लोग ये जानते हैं और मानते हैं कि पर्दे पर अगर राज कपूर साहब हैं तो प्लेबैक मुकेश जी की आवाज़ का ही होगा, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिनमें मन्ना दा साहब की आवाज़ भी ली गई है और पर्दे पर राज कपूर साहब पर इसे फिल्माया गया है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा फिल्म चोरी चोरी के इस गीत की, जिसमें मन्ना दा और लता जी का एक बड़ा ही खूबसूरत कमाल और धमाल है, शंकर जयकिशन साहब की एक बड़ी ही अद्भुत कंपोजिशन और शैलेंद्र सिंह साहब का लिखा हुआ ये गीत है आप सबके लिए फिल्म चोरी चोरी से। राह जतन की ये बात है, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो, oh।
दिल देकर ही दिल ले लिया है। इसी बड़े ज्ञानी धन को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। अगला गीत फिर एक बार आपको 90s के तौर पर लेकर आएंगे, और कविता कृष्णमूर्ति जी का गाया हुआ ये एक बहुत डिफरेंट नगमा है। वैसे अगर 90s की बात आते हैं, लोग अक्सर पॉपुलर नगमक पर ही अपना ध्यान देते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो होता है वो ऐसा भी हो सकता है। इस गीत के जरिए आपको पता चलेगा, राजेश रोशन साहब के संगीत से सजे इस गीत को लिखा है इंदिवर साहब ने, और कोयला फिल्म से ये गाना आपके लिए हम लेकर आए हैं सांसों की माला में। लाइव शोज़ की या वर्चुअल शोज़ की जब जब बात होती है, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरे ध्यान में है, शायद ये नगमा पहली बार लाइव परफॉर्म किया जा रहा है, उसका क्रेडिट हम मिताली जी को जरूर देंगे। तो आइए सुनते हैं ये नगमा मिताली जी से। सासों की माला
जोरदार तालियां और एक्स्ट्रा तालियां आलाप के लिए. थैंक यू. वो जो सुर और वो जो नोट्स में कंटिन्यूसली वो गाया जाता है और जिस तरह से आपने निभाया है, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. थैंक यू सो मच. दोस्तों अब इस गीत के बाद थोड़ी सी शरारत, छेड़छाड़ और मस्ती नीरज जी हो जाए. तो आज के इस बर्थडे शो में मैंने भूमिज भाई कोशिश यही की है कि हर मूड का गाना ले, थोड़ी छेड़छाड़, थोड़ा सीरियस, थोड़ा क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, एवरीथिंग. सो ये एक छेड़छाड़ वाला गाना जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही लोगों को मजा आएगा. सो विल स्टार्ट दिस. आइए नगमा सुनते हैं फिल्म छोटी सी बात से. मैं यही छोटी बात सिर्फ कहना चाहूंगा. जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन. जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन. जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन. जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन. जाने मन जाने मन जाने मन ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे. हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी ये बेकरारी दिन तो जरा टलने दे. तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे. हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा टलने दे. यही सुनते समझ से गुजर गए जाने कितने ही सावन. ओ जाने मन जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन. जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन. जाने मन जाने मन जाने मन तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे. संग संग चल मेरे मारे आगे पीछे फिर समझो मैं तेरे ही राते. दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे. तू न जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन. ओ जाने मन जाने मन तेरे दो नहीं चोरी लेके गए देखो मेरा मन. जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन. जाने मन जाने मन जाने मन ये कमाल था सलील चौधरी साहब और योगेश जी के लिखे इस गीत का. जितनी धमाल जितनी मस्ती छेड़छाड़ सभी कुछ इस नगमे में शामिल था. अब एक डिफरेंट नगमे की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे. फिर एक बार हेमंत कुमार
जो कि एक बहुत अच्छे सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट भी थे, प्रोडक्शन हाउस खुद का उनका था, वो फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, बहुत सारी खूबियों वाले हेमंत कुमार साहब का ये नगमा, कैफी आजमी साहब का लिखा हुआ ये गीत है फिल्म कोहरा से। सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी है इस गीत के लिए कि ये गाना फिल्म कोहरा से हम आपके लिए लेकर आए हैं। टाइमलेस क्लासिक नगमों की जब बात आती है तो श्रेणी में हमेशा ये अव्वल नंबर पर होता है फिल्म कोहरा से ये गीत। ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा पीने दो गली की किस को खबर एक रात हो के के बाद अब धमाल और मस्ती के गीतों की ओर हम आगे बढ़ना चाहेंगे और उसमें सबसे पहले लेते हैं पंचम दा का एक धमाल और कमाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने पहले ही कहा था कि हमने आज गाने का सीक्वेंस ऐसे ही बनाया है कि एक बार धमाल एक बार शांति। मेरे हिसाब से मिताली जी ये एक रोलर कोस्टर राइड के समान है, तो हमारे व्यूअर्स और हमारे लिसनर भी आज बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं। सो दैट इज द आवर थीम ओनली कि दे शुड एंजॉय ऑल द मूड ऑफ द सॉन्ग्स राइट। So moving to the next song from the film Mahan. Mm-hmm.
तू अभिमान तू तौबा है क्या ये नजारा कभी बोले ना कभी बोले हाँ तेरी अदाओं ने मारा अभी तुझे तू अभिमान तू तौबा है क्या ये नजारा कभी बोले ना कभी बोले हाँ तेरी अदाओं ने मारा तू लाख छुपा था मुझको पता तेरे नाम छुपी मस्ती का ये जो मूड है वो हम आपके लिए बरकरार रखेंगे अगले इस गीत के साथ जो गाना हम लेकर आए हैं फिल्म कसम पैदा करने वाली से। उससे पहले मैं फिर से एक बार सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी और मैं चाहूंगी आप बोलें उससे पहले मैं ये बोलूंगी आर इवेंट की जो करता धरता श्रीमती अनीता कपूर जी का और नवनीत नाग जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया म्यूजिकल बनाया एंड अगेन My heartily thankful to Piyush Desai ji, जिन्होंने आज अपना आशीर्वाद मुझे दिया है और मुझे सपोर्ट किया है थैंक यू सो मच श्रीमती भावना भाभी अजय जी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी फॉर गिविंग मी योर लव सो वी आर कमिंग टू द लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट लेकिन इसलिए क्योंकि ऐसा ही एक म्यूजिकल धमाल और कमाल फिर जरूर मिताली जी आपके लिए लेकर आएंगे ये हम वादा करते हैं जरूर जरूर फिलहाल बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम के आज के आखिरी पेशकश की ओर आखिरी नगमे की ओर और ये नगमा सलमा आगा की आवाज से है फिल्म कसम पैदा करने वाले की और बपीदा का संगीत और जब बपीदा का संगीत होता है तो बिल्कुल डांस धमाल और मस्ती जरूर होता है आइए सुने हमारी इस पूरी एनर्जेटिक और लाजवाब टीम के साथ मैं इस गाने में खड़े हो जाना चाहूंगी मिताली जी एक बम्पर ड्रॉ निकला है हमारे लिए वाघ बकरी चाय के चेयरमैन श्री पीयूष देसाई जी की ओर से यूएस टूर के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया है फोर शोज इन यूएसए विथ एंटायर टीम एंड और भी
कुछ और आर्टिस्ट हम ऐड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. टेंटेटिवली अप्रैल मई में ये टूर शायद हम लोग करेंगे, तो उसका फंड रेजिंग पूरा करेंगे और हाँ हम एक फंड रेजिंग जो नोबल कोज और फंड रेजिंग हम करेंगे और एक यूएस टूर हम अनाउंस करते हैं पीयूष भाई. थैंक यू सो मच देसाई जी की ओर से वाघपकरी ग्रुप के चेयरमैन. थैंक्स. लास्ट प्रस्तुति से पहले मैं एक बार आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगले साल हम सब मिलकर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी आर्टिस्ट फिर से एक बार कोरोना से बाहर आकर हम सब मिलजुल के पूरा काम करें, ऐसी मनोकामना के साथ ये लास्ट प्रस्तुति में. थैंक यू नीरज जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. We'll be right back.
साथ में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है, झूम 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 बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। मैं फिर एक बार मिताली जी, मितेश जी और हमारी पूरी टीम को यहाँ पर कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और पूरी टीम को थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड वंस अगेन विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आपका हर जन्मदिन इसी तरह म्यूजिकल और यादगार बना रहे, यही दुआ करते हुए हम शुक्रिया अदा करते हैं फिर एक बार आर्क इवेंट्स, अनिता कपूर जी का, मिस्टर नवनीत नाग साहब का, डॉक्टर श्री पीयूष देसाई साहब का जो कि हमारे वाघ बकरी ग्रुप के चेयरमैन हैं। आपका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा है, मिताली जी के साथ रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर एक बार एक ऐसे ही बेहतरीन शो में मिलने का वादा करते हुए मैं भूमिज त्रिवेदी आज इस प्रोग्राम से और अब आपसे रुख्सत लेना चाहूँगा। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।